ने कहा था कि मुझे 30,000 ऐसे नौजवान चाहिए जो डरते नहीं है, तो उसके बारे में मैंने वीडियो उठाई, उस पर तकरीबन लाखों लाइक आए, लाखों कमेंट्स आए, तो उस नौजवान के बारे में आप क्या कहते हैं? उन तमाम नौजवानों का शुक्रिया जिन्होंने आपके ट्वीट पे, आपके टिकटॉक पे कमेंट्स की। मैंने वो कमेंट्स भी देखे और मैं पाकिस्तानियों आपको बता दूं, ये वक्त गुजर जाएगा और ये टेस्टिंग टाइम है, इसी में पता चलता है कि कौन तकलीफ के आगे और जुल्म और जबर के आगे खड़े होने की सख्त रखता है, और कौन वो लोग हैं जो तकलीफ से पहलुतई करते हैं। आज खान को हमारी ज़रूरत है, पार्टी को हमारी ज़रूरत है, पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है। बेगुनाह कैद में पड़ा हुआ है, कोई कसूर नहीं, और ये डाकू हमारा मैंडेट चोरी करके हुकूमतें बना बैठे। अब कहते आओ हमारे साथ मुफाहमत करें, जैसे कोई घर में डाका डाले और डाकू बाहर निकल के कहें कि आओ जी जो सामान हमने चोरी किया मुफाहमत करते हो, इनमें क्या आपको वापस करना है। हमारी इतवार के रोज रैली है पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भी कह रहा हूँ और पूरे पाकिस्तान को कह रहा हूँ, हाँ खान साहब की नजर आप सब पे लगी हुई है, अपने लिए निकलो, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के लिए। और 6 अप्रैल को हमारा अज़ीम-ए-शान जलसा है परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में, जलसा करने हम जा रहे हैं, पहला जलसा है जिसकी इजाज़त हमें हाईकोर्ट से मिली है। पाकिस्तानियों इस जलसे में लाखों की तादाद में शिरकत करो, ये जलसा आपकी और हमारे मुस्तकबिल को तयन करेगा, ये तयन करेगा कि क्या ये कौम अपने मैंडेट निकलवाना जानती है या नहीं। तो आइए मजलूम का साथी बनिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथी बनिए और हमारी आवाज़ में अपनी आवाज़ डालें, हमारी खान के लिए और अपनी कौम के मुस्तकबिल के लिए। ऐसे उठो, ऐसे निकलो, लाखों की तादाद में जलसे में शिरकत करो और बता दो दुनिया को कि पाकिस्तानी जो हैं 8 फरवरी को अपने वोट के जरिए उन्होंने खान के साथ वफा का हक अदा किया और आज उसी वोट के तहफ्फुज के लिए खान के साथ खड़े हैं और निकले। बहुत शुक्रिया सर। और इतवार के दिन कहाँ से कहाँ तक? इंशाल्लाह पिशावर से रैली, आयताबाद से हमारी रैली निकलेगी रिंग रोड से, और इंशाल्लाह 3 घंटे की रैली है। इंशाल्लाह सर हम आपका वेलकम करेंगे इंशाल्लाह वहाँ से, पिशावर से। थैंक यू सो मच। तस्वीर ना सर, प्रेम।